हेलो मेरे दोस्त, कैसे हो? मेरे ख्याल से आप सभी लोग ठीक ही होंगे। मैं आप लोगों को इस वीडियो में पर्यावरण प्रदूषण के बारे में बताने वाला हूँ। क्या पर्यावरण प्रदूषण? मतलब पर्यावरण प्रदूषण होता कैसे है? और इसके मैं तो इस सभी के बारे में बता बता के थक गया हूँ, पर ठीक है। पर्यावरण प्रदूषण होता क्या है, कैसे होता है और इसके रोकथाम कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में बताऊंगा। यदि आप लोग मेरे से वीडियो पहले वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। चल तो मैं स्टार्ट करूँ कि पर्यावरण प्रदूषण होता है क्या। ठीक, तो इन्वायरमेंट इन्वायरमेंट पॉल्यूशन, यहाँ पे ऐड करके पॉल्यूशन। ठीक, इन्वायरमेंट पॉल्यूशन कहने का मतलब पर्यावरण प्रदूषण होता क्या है। ठीक, पर्यावरण प्रदूषण का मतलब है ये अपनी पृथ्वी है इतनी बड़ी, ठीक, बड़ी तो बहुत बड़ी है, और इसका पर्यावरण है। जैसे हमारी पृथ्वी है, इसका ये पर्यावरण है। ठीक, इसके अंदर हम रहते हैं। ठीक, ये पृथ्वी है, इसका हमारा पर्यावरण है, इसके अंदर हम तो परी 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 प्लस आवरण। ठीक, परी प्लस परी मतलब चारों तरफ, आवरण मतलब घेरा या घिरा हुआ। पर्यावरण का मतलब होता है कि चारों तरफ से जैसे घिरा हुआ। जैसे हम लोग अभी तो पता है, जैसे ये पृथ्वी है, इसमें हम लोग है। ठीक, ये पर्यावरण है। पर्यावरण का मतलब हवाओं का चारों तरफ से घेरा ही पर्यावरण है। तो ये हमारा पर्यावरण कैसे दूषित होता है, इसके बारे में जानना है। ठीक, तो पर्यावरण हमारा निम्न प्रकार से दूषित हो सकता है। जैसे हम वाटर पॉल्यूशन रख दें, वाटर पॉल्यूशन। ठीक, जैसे इसे कह सकते हैं गंदा पानी। गंदा पानी जैसे होता है, जल प्रदूषण होता है, सॉल प्रदूषण होता है, सॉल पॉल्यूशन। सॉल पॉल्यूशन कहने का मतलब मृदा पॉल्यूशन। जैसे ये पहले वाटर पॉल्यूशन को जान लेते हैं, एक एक के बारे में बताते जाऊंगा, अच्छा रहेगा। वाटर पॉल्यूशन जैसे मान लो अपनी इधर एक कोई फैक्ट्री चल रही है। ठीक, इधर कोई नदी ऐसे है। ठीक, ऐसे कोई नदी है, तो इसमें का जो भी कचरा वचरा पानी वानी जो भी वेस्टेज पानी आ रहा है, उसके बिना ये लोग डिस्पोजल किए, मतलब बिना उसको डिस्पोजल किए हुए ये लोग इसमें छोड़ दे रहे हैं, समुद्र नदी में या समुद्र जो भी हो, इसमें ये लोग छोड़ दे रहे हैं। तो इसमें जो पानी शुद्ध है, बह रहा है, जो पानी शुद्ध पानी बह रहा है, तो इसके आने से ये पानी पूरा खराब हो जाएगा, क्योंकि ये प्रदूषित जल है। कंपनी का केमिकल वाला जल है, पानी है, या विभिन्न प्रकार के कचरा या मल मूत्र का हो, इसे आने से ये खराब हो सकता है, खराब हो ही जाएगा, ये लोग छोड़ देते हैं इसमें। तो वाटर पॉल्यूशन ये हो गया। सॉल पॉल्यूशन का मतलब ये अपनी खेती बाड़ी होती है जो, इसमें आम महुआ या जो भी हो, चीकू वीकू जो भी लगाए हैं, तो यदि हम इसमें बार बार दवाओं का छिड़काव करेंगे, भूमि पे यदि हम लोग बार बार दवाओं का छिड़काव करेंगे, तो ये क्या होगा कि इधर की भूमि में उर्वरता नहीं रह जाएगी, इसका बंजर आ जाएगा, बंजर हो जाएगी। दवा मारने के कारण ये कमज़ोर हो जाती है, जो भूमि इधर की है कमज़ोर पड़ जाती है। ठीक, कमज़ोर पड़ने के कारण ये उसमें उपज और पैदावार ज़्यादा नहीं होगी। आम फसल हो, गेहूँ भात चावल जो भी हो, उसमें इसका फसल कम हो गएगा, इसलिए ये सॉल प्रदूषण है। एयर प्रदूषण, एयर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन जैसे हमारा ये मोटर गाड़ी है, मोटर गाड़ी है, जैसे हम लोग चलाते हैं तो इसमें से धुआं निकलता है। CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, CO है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, अमोनिया है, ये विभिन्न प्रकार की गैसें हैं जो हमारे वातावरण मतलब वायुमंडल वायु को प्रदूषित करती है। और दूसरा हो सकता है वाटर हो गया, सॉल हो गया, एयर हो गया, और नॉइज़ पोल्यूशन भी रख सकते हैं आराम से। नॉइज़ पोल्यूशन जैसे कि नॉइज़ पोल्यूशन का मतलब हुआ है हॉर्न, यानी कि कोई भी हॉर्न है। हॉर्न कहने का मतलब क्या? आवाज़। आवाज़ यानी कि कोई तेज़ आवाज़ से दिल की धड़कनें भी बढ़ सकती हैं, हार्ट अटैक भी इससे हो सकता है, और इसका कान इससे फट भी सकता है। हमारे मनुष्य के सुनने की क्षमता, ये मेन इम्पोर्टेंट है, मनुष्य के सुनने की क्षमता 20 से लेकर के इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 20,000 HZ, कहने का मतलब 20 से 20 हर्ट्ज तक होती है।
इससे या इससे कम ध्वनि को तो हम सुन ही नहीं सकते, इससे जो कम आवाज रहेगा जैसे 10 हो गया, जैसे यहाँ पे ऐसे इतना कम हो गया, इससे कम ध्वनि को हम नहीं सुन सकते हैं। इससे अधिक ध्वनि को सुनने पे यानी मान लो 40 से लेकर 40,000, तो इससे ये होगा कि हमारे कान के पर्दे फट सकते हैं, नॉइज पॉल्यूशन इसे कहते हैं। पॉल्यूशन की रोकथाम हम जैसे हम आवाज़ जो है नॉइज पॉल्यूशन है इस पर रोक लगा करके इंडिकेटिंग लैंग्वेज में जैसे हम लोग इसे कन्वर्ट कर सकते हैं हॉर्न के बजाय, तो इसे रोका जा सकता है। और एक कंपनियों फैक्ट्रियों का जो भी पानी मल मूत्र और कचरा बहा दिया जा रहा है बिना डिस्पोज किए हुए, तो इसे हमें पहले एक डिस्पोजल प्लांट इधर मतलब बिठाना चाहिए, और उसे डिस्पोजल प्लांट में सबसे पहले उसे कुछ हद तक उसे प्योरीफाई वेरीफाई करना चाहिए, मतलब शुद्धिकृत करना चाहिए, उसके बाद उसे हमें नदी में प्रवाह कर देना चाहिए। ठीक। और ये अमोनिया, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो भी अनेक प्रकार की गैसें जो हमारे वायु को दूषित कर रही हैं, इनके लिए भी हमें तो इसका कार्बन डाइऑक्साइड प्लान नहीं बना सकते हैं, लेकिन पर कुछ हो सके जितना उतना करना चाहिए। ठीक। वाटर पॉल्यूशन बताया, नॉइज पॉल्यूशन, सॉल पॉल्यूशन। सॉल पॉल्यूशन में अपने ये खेती में हमें कम से कम दवाओं का इस्तेमाल करना चाहिए, खेती बाड़ी में जो भी है कम से कम दवाओं का उपयोग करके अपने खेती बाड़ी को अच्छी उपज के साथ हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक। तो चलो, ये मेरा वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब करो। अभी मेरा वो इंजीनियरिंग का अभी वो पहला फायर इंजीनियरिंग और दूसरा फायर एंड सेफ्टी, सेफ्टी वाला भी मेरा कंप्लीट होने वाला है। अभी एक और दो वीडियो में पूरा कंप्लीट हो जाएगा फायरमैन का पूरा, उसके बाद मैं दूसरा स्टार्ट करूँगा। चलो, तो मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।